औरंगाबाद के अटाले पर युवकों के दो गुटों में हुई मारपीट के मामले में पल पल नया मोड़ आ रहा है। पहले जिस युवक ने पूरी घटना बताकर अटाला निवासी टीपू पर पिटाई का आरोप लगाया था, अब वो अपने बयान से फिर पलट गया है। अब इसका पहला बयान सुनिए। दो लोग कौन कौन? टीपू और गोलू छम्मन। अच्छा अच्छा। और टीपू अपने अपने दोस्त को थमा दिया था असलहा पिस्टल और खुद लोहे के रॉड से हमारे भाई के पैर ही पैर पे मारा, सर पे मारा और पूरा पैर उनका दोनों टूट गया है। तो सारिम कहाँ है समय? सारिम भाई मेडिकल भाई मेडमी। इस बयान में युवक अटाला निवासी टीपू और कुछ लोगों का नाम ले रहा है कि शारिम की पिटाई इन लोगों ने की। अब इसका दूसरा बयान भी सुन लीजिए, जिसमें ये बता रहा है कि घटना में टीपू और उसके लोगों का कोई हाथ नहीं है। जिन जिन का मैंने नाम लिया है, गोलू छम्मन, टीपू अटाला, मुकुल माया, इन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो किसने दबाव दिया था आपको इस मामले में बयान देने के लिए? सद्दाम करेली ने। कैसे दबाव दिया? हम गए थे हॉस्पिटल देखने शारिम सिद्दीकी को, वहाँ हमको खींच के ले आया गया कमरे पर, हमारी आँख पे पट्टी बांधकर वहाँ हमको तमंचे की नोक पे सर हमको धमकाया गया, इसलिए हमने दबाव में आकर के गलत बयान दिया। तो क्या के अलावा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा जिसमें पिटाई से घायल युवक टीपू को धमकी दे रहा और इलाके में आकर मारने को कहता है। शारिम अटाला आया भी और कुछ लोगों ने उसको पीटा भी, जिसमें उसका पैर टूट गया। खुलदाबाद पुलिस ने घायल की तहरीर पर अटाला निवासी टीपू और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि आज इस घटना में आरोपी बनाए गए टीपू ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करके बताया कि उनको कुछ पुराने दुश्मनों ने इस मामले में फंसाया है। और मुझसे कहा गया कि कहाँ हो, तो मैंने बोला घर पे। कहीं एक घंटे में मैं तेरी गाली बक्के कहा गया कि एक घंटे में मैं अटाले आ रहा हूँ, तुझे मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये लोग आए 5-6 बाइक से मेरे मोहल्ले में, मेरे घर पे चढ़ाई कर दिए, मोहल्ले में गाली गलौज कर रहे थे। तो इससे पहले भी हमारे ऊपर हमला हो चुका है, मेरे सर पे गोली लगी थी, आँख से निकली थी। तो उसमें इसने रिकॉर्डिंग है, हमारे पास प्रूफ है, उसमें ये पूरी इसने मुखबिरी दी थी शारिम ने। तो उस दिन 4-5 बाइक आए मेरे मोहल्ले में और मेरे घर पे गाली गलौज करने लगे। फिर मोहल्ले वालों ने सोचा फिर हमला होने वाला, तो मोहल्ले वाले ने पकड़ के मारा पीटा, और मुझसे कोई ऐसा नहीं है। टीपू के मुताबिक शारिम ने ही उसको पहले फ़ोन करके धमकी दी थी और फिर उसके घर पर हमला किया था। तो इलाके के लोगों ने शारिम को पकड़ा था, उसकी पिटाई में मेरा कोई हाथ नहीं है और ये उन लोगों की साजिश है जो पहले भी मेरे ऊपर हमला करा चुके हैं। अटाले में दो गुटों में हुई मारपीट के मामले में खुलदाबाद पुलिस दोनों पहलुओं पर जाँच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी पहले साथ थे लेकिन अब अलग हैं। जो ऑडियो है उस पर भी जाँच होगी।